चलिए बनाते हैं 250 रुपये में मिलने वाला पिज़्ज़ा सिर्फ घर पर 50 रुपये की लागत में। पहले फ्राई पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालकर कटी शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर को डालकर सॉटे करेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स, इनको डालकर थोड़ी देर के लिए इसको हाफ कुक करेंगे। हल्का ब्राउन होने तक पिज़्ज़ा बेस को एक साइड से पकाएंगे। पकाकर इस पिज़्ज़ा बेस को दूसरी साइड पलट देंगे। पिज़्ज़ा बेस को पलट कर अब पकी हुई साइड पे हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। उसके बाद में उसके ऊपर डालेंगे चीज़। अब इसके ऊपर डालेंगे हम पकी हुई सब्जियाँ। उनको डालने के बाद फिर से इसके ऊपर चीज़ डालेंगे ताकि वो सब्जियों को होल्ड कर ले। इसमें सब कई बार ऐसा होता है कि बस चीज़ ही चीज़ दिखाई देता है, इसमें चीज़ के साथ सब्जियाँ भी दिखाई दे, इसलिए हमने पहले चीज़ डाला है फिर ऊपर से सब्जी डाली। इसमें चिली फ्लेक्स डालें, ऑर्गेनो डालें, पिज़्ज़ा सीजनिंग डालकर इसको ढककर फिर से धीमी आंच पे इसको पकाना है और बस ये बनकर तैयार है। आप भी 10 मिनट में घर पर ही पिज़्ज़ा बनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स। थैंक यू सो मच।